मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो जहां तक मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और मुझसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर DSSSB पीआरटी एग्जाम के लिए ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रैटेजी शेयर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं मैथ स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैथ्स कैसे की जाए कि हमारे 20 में से 20 नंबर स्कोर हो सके, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। जीएस वगैरह जो होते हैं उसमें मुश्किल होता है स्कोर करना, लेकिन मैथ्स इज अ वेरी पिन पॉइंट सब्जेक्ट, मतलब ऐसा बिल्कुल पॉइंट पे आप करेक्ट कर सकते हो, हाँ इसका आंसर सही यही है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ 3 लोगों के लिए। एक जो बिल्कुल बिगनर है, जो मैथ्स शुरू कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू हो, क्या हो, कैसे हो, कुछ भी नहीं पता। दूसरा, उन लोगों के लिए बात की जाएगी जिन लोगों की मैथ अच्छी है, ठीक है, तो उनको कैसे करना चाहिए, या जो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या करें। तीसरा, मैं उनके लिए बात करने वाली हूँ जिनकी मैथ्स वीक है। तो मैं वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं मैथ स्ट्रैटेजी के बारे में कि DSSSB के एग्जाम में मैथ्स को किस तरीके से किया जाए। तो देखो, DSSSB के मैथ्स में एडवांस तो नहीं आती है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्शन से कि हम कुछ तो एक्शन लें। और मैं आपको कहूंगी कि आज ही अपना रजिस्टर उठाओ और उसमें श्री गणेश कहां से करो, टेबल, स्क्वायर और क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 मिनिमम है, 20, कई लोग 30 तक भी टेबल याद करते हैं, तो 1 to 20 टेबल लिखो और वो आप याद करना शुरू कर दो, ठीक है। रोज किसी घर वाले को बोल दो, भाई जब मैं तुझे दूंगा ना रैंडम कोई भी टेबल पूछती हूँ, ठीक है, तो आप 1 से 20 तक अच्छे से टेबल याद कर लो और अपने नोटबुक में सबसे पहले लिख लो। उसके बाद स्क्वायर, 1 से 30 तक स्क्वायर होने चाहिए आपको, और जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए, बेसिक जो चीज है। और कैलकुलेशन वाली चीज मैं अलग अलग बताऊंगी, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए और ये आपके फ्रंट पेज में इन जो है रजिस्टर के उसमें होना चाहिए। अब दूसरी चीज है, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए सिलेबस, आपका बहुत क्लियर सिलेबस आपके पास होना चाहिए। देखो, किसी भी चीज की तैयारी से पहले हमें पता होना चाहिए करना क्या है। जब हमारे पास विजन, हमारा गोल क्लियर होता है तो हम 2 गुना मोटिवेटेड होते हैं। जब हमें पता है ये काम करना है और ये इतना है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो हम करते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता तो हम टाला मटोली करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है कि एक्चुअली सिलेबस है क्या। तो ऑलमोस्ट सिलेबस तो मैं ही बता दूंगी आपको। तो देखो, जो पेपर होता है आपका उसमें आता है अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो सिलेबस आपको लिखना है, अपने हाथों से लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखे हुए का बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अब बात आता है कि आपको करना है सिलेबस कंप्लीट। मैम आप बहुत आसानी से बोलते हो सिलेबस लिखो और पहले सिलेबस पता करो और सिलेबस कंप्लीट करो, पर इतना आसान नहीं है सिलेबस करना जितना मैडम आप आसानी से बोल रहे हो। तो मैं आसानी से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है। जब मैं आपके एज में थी और मेरे लिए भी ऐसे बौखला वाला सीन था, तो धीरे धीरे कैसे चीजें हुई मैं वैसे ही बताऊंगी आपको, कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रही हूँ। तो आपको कहाँ से शुरू करना है, देखो 5 सेक्शंस होते हैं, ये पूरा करने के बाद जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं पहले ही समझा रही हूँ कि देखो मैथ्स में ना DSSSB के हिसाब से 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन कौन से? एक सेक्शन होता है, सबसे पहला पार्ट होता है रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, SICIS, प्रॉफिट एंड लॉस PL, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक है ये इनिशियल टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना चाहिए। एक पार्ट ही हो गया, फर्स्ट पार्ट ही है। सेकेंड पार्ट में आता है वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम्स, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है। दूसरा सेक्शन ये है, मतलब इसका जो तरीका होता है क्वेश्चंस का, ये अलग तरीके एक जैसे होते हैं और इन तरीके के क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। तो मैं बताऊंगी, ठीक है, कैसे क्या करना है, आपको सुनना है सिर्फ। सेकेंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट है नंबर सिस्टम, जिसके साथ सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, ये सब चीजें आती है तीसरे सेक्शन में। चौथी चीज है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D, 3D एरिया वॉल्यूम। 2D, 3D क्या है? 2D क्या होती है? जो आपके स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सारी जो 2D फिगर्स हैं, ठीक है, जिनके पास दो ही प्लेन्स हैं, ठीक है, दो डायमेंशंस हैं। और 3D मतलब जिनके पास 3 डायमेंशंस है, जिनके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, तो उनके पास वॉल्यूम भी आ जाता है और एरिया का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो जाता है। जबकि 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं होता, उनका सिर्फ पेरीमीटर और एरिया होता है, ठीक है।
तो मेंसुरेशन आपको पता होना चाहिए, तो मेंसुरेशन की चीजें आती हैं, और लास्ट पार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई, ये भी आता है, और डीआई मैं आपको बताऊं ये सबसे आखिरी का पार्ट होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया पांच पार्ट बता दिए मैंने कि मैथ्स के पांच पार्ट ये है जो डी ट्रिपल एस भी पूछता है। अब बात ये है कि कहां से शुरू करें हम, तो देखो कई लोग जो होते हैं वो इस पार्ट से शुरू करते हैं और कई लोग इस पार्ट से शुरू करते हैं। आप किसी भी पार्ट से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वर्क एंड टाइम जो है ना बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसको करने पर स्पीड टाइम डिस्टेंस जो है वो भी ऐसा है जिसपे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैथ बहुत बोरिंग लगती है, अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको शुरू करना है, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप कहां से शुरू करो, रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर आप पार्टनरशिप करो, उसके बाद एवरेज करो, उसके बाद जो है ना मिक्सचर एलिगेशन और एजेस जो है छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दो दो क्लास के, वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, पहले अब करते हैं हम परसेंटेज, ये बनाया हुआ है परसेंटेज का साइन, एवरेज के बाद करते हैं परसेंटेज की बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद करते हैं हम एसआई सीआई, और एसआई सीआई के बाद होता है डिस्काउंट। तो ये वाली चीज करने के लिए मैं पहले क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये करने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एसआई सीआई करने के बाद आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में मदद होती है, क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन एसआई सीआई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से आते हैं। तो अगर आप ये वाला पार्ट करोगे ना तो चांसेस कम है कि आप डीआई सॉल्व कर पाओ, ठीक है, मैथ्स तो आपका हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब हम ये वाला पार्ट करते हैं थोड़ा सा ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, लोग बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं होता ये, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसको करने से आपको डीआई में भी हेल्प होती है, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ, कोई मुझे यहाँ पे शुगर कोटेड वर्ड्स यूज करके आपको बहलाना फुसलाना तो है नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। अब मैथ्स पसंद करने वालों को सभी पसंद होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें ये बता दिया मैंने कि आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन इसको शुरू करने का ये फायदा होता है इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मिक्सचर एलिगेशन छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, एजेस अच्छा सा टॉपिक है, पार्टनरशिप अच्छा सा टॉपिक है। अगर इसमें कोई भारी भरकम टॉपिक है ना तो चार टॉपिक है वो, एक एवरेज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये वाले टॉपिक थोड़े भारी भरकम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस से और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी वर्क एंड टाइम से, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वर्क एंड टाइम से, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका वर्क एंड टाइम है, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इसमें से एलसीएम एचसीएफ, ये सब एलसीएम एचसीएफ तो फेवरेट टॉपिक है, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब बात आती है कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। देखो इसकी ना दो तीन तरह के हैं, आपको क्या सूट करता है वो आपको सोचना होगा। तो देखो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। तो अब बात ये आती है कि कैसे करें। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ सेक्शन वाइज शुरू करना मैंने जैसे सेक्शन कैसे करें तो देखो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ सेक्शन वाइज शुरू करना मैंने जैसे सेक्शन बताए 1 2 3 4 5, तो इसी सीक्वेंस में आप अगर कंप्लीट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले सेक्शन 1 कंप्लीट करो, सेक्शन 2 कंप्लीट करो, सेक्शन 3 करो, फिर सेक्शन 4, सेक्शन 5, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है मैंने यहां से शुरू कर दिया ये नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉपिक तो वही है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब बात ये आती है कि कहां से करें, तो आपको कहां से करना है, देखो यहाँ पे दो तीन टीचर्स के मैं नाम बता रही हूँ, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी को किसी का समझ आता है, किसी का किसी को समझ नहीं आता। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, आपको एक एक बार सबकी वीडियो देख के समझना पड़ेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। जिसका आपको समझ आए फिर उसी टीचर को फॉलो करो, क्योंकि आपके हर टीचर का अपना काम कराने का तरीका होता है, ठीक है। एक पैटर्न से वो चीजें कराते हैं और फिर वो सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न से कराते हैं। अगर आप दो वीडियो इनकी देखो, दो वीडियो इनकी देखो, तो उससे क्या होता है कि तरीका बदल जाता है, फिर आपको दिक्कत होती है। आप एक टीचर के हिसाब से सेट हो दो, फिर एक ही टीचर की वीडियो देखो, ठीक है, बात समझ आई। तो गगन सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, इवन कोचिंग सेंटर, इवन कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरे साथ के जो कुछ बच्चे सिलेक्शन ले रखा है जिन्होंने, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे, मैंने सोचा कि आपको सजेस्ट कर दूं, अगर बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं तो क्या पता कुछ अच्छा होगा उनमें, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने ऐसा सुना है कि गगन सर और आदित्य रंजन सर जो है बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाती है। तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है,
या जिनको मैथ थोड़ा स्लो तरीके से समझ आता है या जिनके बेसिक्स कमजोर है, तो वो प्लीज राकेश यादव सर से पहले पढ़ ले, ठीक है? राकेश यादव सर से पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है? टीचर्स कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो राकेश यादव सर से पढ़ना अगर आपको लगता है कि आपके वीक है कॉन्सेप्ट या बेसिक्स वीक है या आपको धीरे धीरे समझ आता है या इनका समझ नहीं आ रहा, ठीक है? मैंने आपको पहले बता दिया टीचर सारे अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको किसका समझ आ रहा है ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप ये करेंगे, और बुक्स कौन सी यूज करनी है, किरण पब्लिकेशन की बुक यूज की थी मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक यूज की थी, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स के D++B के PYQs यूज कर सकते हो। अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो देखो मेरा सीधा सीधा फंडा है कि सबसे पहले आपको करना होता है लर्न, लर्न मतलब सीखना होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, यूट्यूब की वीडियो देखोगे, समझोगे, साथ साथ जो है करने की कोशिश करो, ठीक है? साथ साथ अपने करने की कोशिश करो, फिर टीचर जब समझाए उसको समझो, उससे क्या होता है माइंड में उस चीज के न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है? नोट्स बनाओ, उसके बाद क्या है जब आपने उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तुरंत देख लो, ठीक है? क्विक रिविजन तुरंत दे दो, क्योंकि हम पहले ही 30 मिनट में बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो इसलिए जब आपने पढ़ा उसको तुरंत जो है अपना रिवाइज कर लो। उसके बाद क्या है कि उससे एक अलग हटके टाइम दो जिसमें दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो या सोने से पहले उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? क्योंकि मैंने जो मैथ्स थी वो कहाँ से सीखी थी, अपने कोचिंग से सीखी थी, ठीक है? तो वो जो कराते थे वो मैं घर आके दोबारा करती थी, तो जो उसी दिन रिवाइज कर लोगे तो काफी आसान रहता है, दो बार प्रैक्टिस होती है, पहले टीचर करा रहा है उसके बाद आप कर रहे हो, ठीक है? तो ये वाली चीज है कि सबसे पहले तो लर्न करो, नोट्स करो, बना लो उसके नोट्स, ठीक है? और रिवाइज करो, रिवाइज का मतलब कॉपी ले ली और देखना नहीं है, रिवाइज का मतलब है हाथ चलाना। मैं आपको बता दूं जब भी आप रिवाइज कर रहे हो साइड में एक रफ नोटबुक ले लो, पढ़ने वाली चीज है तो भी आप मेन मेन पॉइंट हाथ चलाते हुए लिख लिख के करो, ठीक है? मैथ्स है तो लिख के ही करनी है प्रैक्टिस और रिविजन भी, ठीक है? मैथ्स तो बिना हाथ चलाए हो ही नहीं सकती, जब कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको हाथ चलाना बंद करना और दिमाग चलाना शुरू करना है कि आपको पेन ना उठाना पड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप दिमाग में कर दो, ठीक है? या मैक्सिमम जो प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो दिमाग में हो जाए, हाथ कम उठाना पड़े, लेकिन शुरू में वो हाथ तक पहुंचने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद क्या है फिर प्रैक्टिस करो। मान लो कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सपोज करो रेशियो प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया, अब आप एवरेज पे पहुंच चुके हो, ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन का आपने नोट्स भी बना लिए, आपने जो है रिविजन भी कर ली, अब आप नई क्लास ले रहे हो एवरेज की, ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, अगर आप एवरेज पे एवरेज को ही पढ़ते रहोगे तो रेशियो प्रोपोर्शन भूल जाओगे, तो आपको क्या करना है रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू कर दो, ताकि आपका जो नॉलेज का एरिया है, अंडरस्टैंडिंग का एरिया है, खुद से क्वेश्चन करने का एरिया है, वो बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है? तो आपको क्या करना है एवरेज रिवाइज करते रहो और रेशियो प्रोपोर्शन अपना प्रैक्टिस करते रहो। ये तरीका होता है कि पीछे के टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, अगर कोई नए लोग होते हैं ना उनको बहुत पता चलता है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे जो होता है ना बहुत दिक्कत हो जाता है, ऐसा लगता है भूल गए सब कुछ, याद ही नहीं आ रहा, लेकिन ये हर किसी बच्चे के साथ होता है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके दिमाग में ना पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, ये टाइप होता है, लेकिन वो कब होगा जब बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आप सेग्रीगेट करना सीख जाओगे, आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करने का होता था, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें ऐसे करना होता था, इसमें ऐसे करना होता था, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, और जब प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, तो रोज आप धीरे धीरे जब आपको लगता है 5-6 टॉपिक मेरे हो गए, ठीक है, तब आप टेस्ट देना शुरू कर दो। टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हो खुद से एक सेट लिमिट के अंदर। टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है किस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो होता है ना एटलीस्ट वो क्वेश्चन पक्के होते चल जाते हैं कि जब वो क्वेश्चन पेपर में आए तो आप कर लो, ठीक है जी? तो ये वाला सिस्टम है मेरा, तो LRPT, लर्न करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और रिवाइज करते वक्त हाथ चलाने, हैंड्स लिखा मैंने, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, ठीक है जी? यहाँ तक मेरी बात हो गई है, आपको मुझे लगता है यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे, अब हम आगे बात करेंगे कि क्या कुछ है। तो देखो आपको टाइम जो है 2-3 घंटे आपको मैथ्स को देने पड़ेंगे डेली डेली कंसिस्टेंटली। तो उसको कैसे डिवाइड किया मैं बता देती हूँ। देखो 1 घंटा जो है ना आप क्लास लो यूट्यूब की, ठीक है, तो वो 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की बन जाती है नोट्स बनाते बनाते, ठीक है, 2 घंटे की बन सकती है, पर मैं मान के चल रहा हूँ आधा घंटा इज मोर देन सफिशियंट कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है? आपने 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में कंप्लीट की, ठीक है, 30 मिनट आपने क्या किया उसको शाम को या किसी और टाइम पे रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद क्या है, ये तो था आपका रिविजन वाला, लेकिन जब ऐसा हो गया कि आप
एक दो टॉपिक कर चुके हो, उसके बाद आपको 30 मिनट से एक घंटा प्रैक्टिस को दे सकते हो, ठीक है, कि आपको जितना लग रहा है कि भाई मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं या मुझसे इतनी प्रैक्टिस हो पाएगी। ये थोड़ा बहुत ना अप डाउन हो सकता है क्योंकि आपकी क्लास 1.5 से 2 भी बन सकती है ना, तो आप ये सोचो कि चलो ये वाली क्लास कंप्लीट करके छोड़ू या ये वाला टाइप करके खत्म करूं, तो ये वाली चीज हो सकती है, तो इसको अप डाउन कर सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि एक घंटे की क्लास लो, 30 मिनट रिविजन को दो, ठीक है, 30 मिनट से एक घंटा प्रैक्टिस करो जब आपके एक दो टॉपिक हो जाए, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एवरेज पे पहुंच गए तो रेशियो प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे आप एवरेज की क्लास लेते रहो, यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं दो चीजें बता रही हूँ, ए फॉर एडवांस है, बी फॉर बिगनर है। जो लोग बिगनर है वो क्या कर सकते हैं कि 45 मिनट जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और 15 मिनट कैलकुलेशन को दे सकते हो, तो उनकी ट्रिक्स देख सकते हो कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की। बहुत सारे ऐप है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो 15 मिनट आप कैलकुलेशन को दो, 45 मिनट आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक घंटा हो गया, आधा घंटा, तो 2 और 3 घंटे आपके मैंने बना दिए, ठीक है। तो आप इसको अप डाउन अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक आप थोड़ी गहराई से मेहनत नहीं करोगे ना मैथ्स पे, तो थोड़ा सा कमांड बनना थोड़ा मुश्किल है। आप सोचो कि 1-2 घंटा पढ़ के हो जाए तो मुश्किल है कि आप मैथ्स पे कमांड कर पाओ। तो मैंने तरीका बता दिया, टुकड़ा टुकड़ा बताया कि ताकि प्रेशर भी ना पड़े, एक ही चीज यानी 2 घंटे क्लास ले रहे हैं, नहीं, आप पढ़ो भी, रिवाइज भी करो, प्रैक्टिस भी करो, तभी आपकी कमांड बन पाएगी चीजों पे, तभी आपको क्या मोनोटोनस भी नहीं लगेगा, बर्डन भी नहीं लगेगा, प्रेशर भी फील नहीं होगा, ठीक है। और जो एडवांस लोग हैं, A4 एडवांस, ठीक है, तो वो लोग 45 मिनट क्या है प्रैक्टिस करो, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, जिस टाइम पे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 6-7 टॉपिक करने में ना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा, 1-2-3 महीने भी लग सकते हैं, 3-4-5 महीने लग जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करते करते। तो जितने आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, उतने में कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब पे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उनको देखो और उन चीजों को अप्लाई करो, बार बार कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। यूजुअल तरीके से अपनी कैलकुलेशन नहीं करना, उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे हम बच्चों से की तरह करते आ रहे हैं, थोड़े छोटे तरीके करना सीखो, ठीक है। तो आपको क्या, कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग हो ही गई, तो कैलकुलेशन वाला टाइम आप क्विज को दे दो, डेली क्विज देना जो शुरू कर दो। 15 मिनट लिखा हुआ मैंने, पर वो 5 मिनट की क्विज आती है 15 क्वेश्चन की, लेकिन बाकी के 10 मिनट जो होते हैं वो आपको उसको सॉल्व करने में समझने में लग सकते हैं, ठीक है। तो क्विज वाला टाइम तो आपको रखना ही है, 20 मिनट लग जाए चाहे आपको उसको सॉल्व करके दोबारा एनालाइज करने में, दोबारा रिसॉल्व करने में, तो ये आपको क्विज करना ही है, ठीक है। तो ये वाला तरीका मैंने बता दिया कि कितना टाइम टेबल, कितना मैथ्स को टाइम देना है, कैसे देना है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेश आवर्स में मैथ्स करो, जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस रात को कर सकते हो, इसकी रीजनिंग की। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप फ्रेश माइंड से करो, चैप्टर भी फ्रेश माइंड से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी फ्रेश माइंड से करो, लेकिन ठीक है, बट डिवाइड करने में बीच में कोई गैप दे देना कोई सब्जेक्ट का, तो आप शाम को मैथ्स के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, सुबह चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब बात आती है कि आपको ध्यान देना है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये नहीं आपने 2 घंटे की क्लास ले ली, आपने ये वाली कर ली, ये वाला चैप्टर भी कर लिया, वो वाला चैप्टर भी कर लिया, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलूंगी चाहे आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन इतने पक्के होने चाहिए कि वो आपके इधर से उधर नहीं होने चाहिए। उस तरीके का क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल भी झिझको ना, अटको ना, गलत ना करो, ठीक है। अगर आप रोज के 10 क्वेश्चन भी करोगे ना, ठीक है, तो संडे को हटा के ना कितने हो गए, 26 दिन, 26 से 10 को मल्टीप्लाई कर लो, 260 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि वो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए पक्के। तो जो भी आप 1 घंटे की क्लास में समझ रहे हो वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जो 30 मिनट रिवाइज कर रहे हो वो भी क्वालिटी होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो भी क्वालिटी होनी चाहिए, और जो क्विज में करोगे वो भी क्वालिटी होनी चाहिए। मेरा कहना मतलब ये, जो काम कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि उसी क्वालिटी से आपका सिलेक्शन होगा, वही आपको और लोगों से अलग बनाएगी। यूजुअल तरीके से तो सभी काम कर रहे हैं, ठीक है, यूजुअल इधर उधर से तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ढंग से करना वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो अब आपकी क्वालिटी का आएगी कैसे, प्रैक्टिस से स्ट्रांग होगा आपका मैथ्स का एरिया, ठीक है। और वो भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि आपको कोशिश करनी है कि आपको दिमाग ज्यादा चलाना है, हाथ कम चलाना है, मतलब पेन कम चलाना है बाद में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या है, आप टाइप सीखते हो, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बार बार, तो हमें समझ आ जाता है कि इस जो टॉपिक है इसके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस वाले टाइप में ये करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाली ट्रिक लगती है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको नंबर भी रट जाते हैं,
ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, बहुत सारे नंबर की कैलकुलेशन तो आपके दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने का ये फायदा होगा कि आप जल्दी जल्दी वो आपका दिमाग स्ट्रांगली चलने लग जाएगा, ठीक है। फिर नोट्स बनाने हैं आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, इस टॉपिक में ये वाला टाइप है, इसका ये फॉर्मूला है, इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, मैंने ये निकाले हैं आज आपको दिखाने के लिए, एक सेकेंड देखो। तो अगर आपको दिख रहा हो, मैं इस पर थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दूंगी। तो ये जो है आपके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने अपने जो है कि ये SICI के थे कि 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है हर तरीके का लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, इस तरीके से मैंने नोट्स जो है बनाए थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, क्योंकि मैं क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस थोड़ी करूंगी। जब मैं पेपर देने जा रही हूँ तो मैं इन नोट्स को देख के जाती थी ताकि मेरे दिमाग में हर चीज का टाइप हो, बोर्ड्स ऑन स्ट्रीम के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो ये आगे परसेंटेज के हैं, मतलब हर तरीके के मैंने नोट बनाए, और मैं बीच में जगह छोड़ देती थी ताकि अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकूं, ठीक है। मेरे पास हमेशा जगह होती थी। देखो मैंने ये परसेंटेज, ये नहीं कि मेरी कॉपी में नहीं है, ये सब ऐसा नहीं था कि मेरी कॉपी में नहीं था, लेकिन मैं इनको फिर भी क्या था, बना के रखती थी। मेरे इस तरीके के बहुत सारे नोट्स हैं, नंबर सिस्टम के, हर चीज के मेरे नोट्स ऐसे ही बने हुए हैं। मैथ्स के तो मैंने दिखा दिए कि कैसे बनाने हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस होने लग जाएगी, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, आप समझ पाओगे टाइप को कि किस टाइप में कैसा फॉर्मूला लग रहा है, तब आप ये नोट्स बना पाओगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। उसके बाद आपको अपने गोल सेट करने हैं, शुरू करना है, बहुत मुश्किल होता है, शुरू करना ही मुश्किल होता है। सबसे पहले आप गोल्स बना लो कि भाई इस हफ्ते में मैं ये वाला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, और उसको किसी एक टीचर से उठा लो, ठीक है। उसको डिवाइड कर लो वीक में कि इस वीक में मुझे इतनी क्लासेस तो लेनी ही है, और उसको डेली डिवाइड कर लो। या आप ये सोचो आज मुझे मैथ्स की एक क्लास लेनी है या एक घंटे की क्लास लेनी है, वो आप डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर वो कितने टाइम में होता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक घंटा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हो सके तो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दो। स्टॉप वॉच मतलब पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक आप सभी को पता है कि 15 मिनट्स पढ़ाई, 10 मिनट्स ब्रेक, और उस 15 मिनट्स में नो कॉल, नो नोटिफिकेशन, नो फोन, नथिंग, ओनली स्टडी। जो काम कर रहे हो पूरी क्वालिटी टाइम, जब जो कर रहे हो, जब खा रहे हो तो पूरा ध्यान खाने में, टीवी देख रहे हो पूरा ध्यान टीवी देखने में, किसी से बात कर रहे हो पूरा अटेंशन उससे। ये इससे क्या होगा ना, जब आप मल्टीटास्किंग करने की सोचते हो ना, खाते खाते ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, तो आपका दिमाग में फोकस तो आ ही नहीं रहा ना, आप फोकस करना तो सीख ही नहीं रहे हो, समझ आ रही बात। तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको पूरे शिद्दत से, पूरे फोकस से करो, समझ आ गई। तो उससे क्या, आप फोकस करना सीखोगे। जब आप पेपर दोगे तब भी आपका उसी में फोकस होगा, तो फोकस होके काम करने से वो काम अच्छा होता है, कम समय में हो जाता है। उसके बाद आपको क्या है, टारगेट कैसे है कि कौन सा टॉपिक करना है, कितनी क्लास लेनी है, कितनी लंबी लेनी है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस का भी तो टारगेट बनाओगे ना, आज मुझे मैथ्स के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या मुझे आज एक डेली क्विज करना है। अब डेली क्विज जो है ना आपको करने हैं, तो उसका टाइम ध्यान दिया करना कि आज मेरे को कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में सबसे कम टाइम लगा, किस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है जी। उसके बाद जो है डेली क्विज, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मॉक टेस्ट, डेली क्विज, क्वेश्चन, मैं तो हर सब्जेक्ट के ग्रेड अप, अड्डा, दोनों के, SSC के भी, टीचिंग के भी, सारे क्विज दे देती थी। 1.5 घंटा मेरा क्विज में ही लगता था, ठीक है। तो क्विज देने का क्या फायदा होता था कि एक तो स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा, कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, ये सब आपको पता चलता है। तो अब क्या है कि SSC और DSSSB दोनों के क्विज देने हैं मैथ्स के। बोल रही हूँ क्योंकि SSC का लेवल काफी हाई होता है। जब आप इतनी मुश्किल चीज कर लोगे तो इतनी तो कर ही लोगे आसान। बाकी DSSSB का मैथ्स भी अब अच्छा आने लगा। हाँ, SSC जितना नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लेवल आता है DSSSB का। आप उसको हल्के में मत लेके चलना, ठीक है, कभी आप सोच रहे हो। तो अब क्या रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है, आपको पता चलेगा ये आ रहा है, नहीं आ रहा, कितने देर में हो रहा, आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी निराश नहीं होना। आप ये देखो, अगर आपसे नहीं हुआ ना, बहुत बढ़िया मौका सीखने का। अगर सब कुछ आता होगा तो फिर सीखेंगे कहां से, इम्प्रूवमेंट कहां है, सब कुछ तो आता है, मैं फिर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप वहां है जहां हमें चीजें नहीं आती या गलत हो रही है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो राइट, जब आपका क्वेश्चन हो गया तो वहां देखो कि जो इस क्वेश्चन के नीचे ट्रिक्स दी हुई है, क्या मैंने ये वाली ट्रिक लगाई है, मेरी ट्रिक शॉर्ट है या इनकी ट्रिक शॉर्ट है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, किस तरीके से क्वेश्चन किया है, कौन सा अच्छा है, ठीक है, उसको नोट कर लो अगर उनका शॉर्ट है तो, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है या नहीं आता हो सकता, तो रॉन्ग दो तरीके से हो सकता है, या तो आता ही नहीं है, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट वीक है,
ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो अगर आता ही नहीं था तो कॉन्सेप्ट सीखो, तरीका सीखो कि वो कैसे है। लेकिन अगर वीक कॉन्सेप्ट है तो उसको सीखो दोबारा से और प्रैक्टिस करो बार बार, उस उन वीक एरियाज के क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी, यहां तक आपको मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात चल रही है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के बेसिस पे एक बुक के थ्रू मैंने एनालिसिस किया था जिसमें मैंने लिखा था, तो ये मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो कि मैम इसका डिटेलिंग में बताओ कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा करना चाहिए, कौन सा आसान है, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी, पर मैं डिटेल इसमें नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये सीखना होगा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे NTT, PRT, PGT, TGT, हर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन HCF LCM जो वाला था ना, जो मैंने कराया था सेक्शंस में से, मेंसुरेशन से पहले वाला जो सेक्शन था, तो उसमें से 528 क्वेश्चन आए थे टोटल सभी के पेपर में। ठीक है, DI में से 347 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये जो है ना रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, ये बहुत सारे टॉपिक है, तब मिलाकर 376 क्वेश्चन है, तो ये एक टॉपिक नहीं है, इसलिए कभी सोचो कि मैंने आपने ऊपर क्यों लिखा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस इसमें से 239 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 236 क्वेश्चन आए थे टोटल सारे शिफ्ट में। ठीक है, परसेंटेज में से टोटल 194 क्वेश्चन आए थे, वर्क टाइम डिस्टेंस इसमें आपका वो भी आता है। ठीक है, तो 179 क्वेश्चन आए थे इसमें से, और रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप इसमें से 376 क्वेश्चन आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप में से, और SICI और डिस्काउंट में से 161 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन में से 137 क्वेश्चन आए थे, और भी टॉपिक हैं, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो मैं इसको पूरा बाइफर्केशन करके आपको बता सकती हूँ, और कौन सा टॉपिक करके आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हो आप मुझे बता देना तो मैं बना दूंगी। ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को तो आपको करना ही चाहिए, बिना इनके करे काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं आएंगे, तो ये इन पे कमांड कर ली तो काफी हद तक नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात, मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। अब बात आ रही है कि दो तरीके के लोग हैं, एडवांस और बिल्कुल वीक। ठीक है, तो मुझे लगता है वीक जो है इस वाली वीडियो में कवर हो नहीं पाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वीक जिनकी मैथ्स है उनके लिए क्या करना चाहिए उनको मैं अलग से बताऊंगी दूसरी वीडियो में, पर मैं उनको ये कहूंगी कि बेसिकली मैथ्स तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है, ये बिगिनर वाला तरीका आप अपना के देखो। ठीक है, बाकी मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी वीक मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और एडवांस वालों को मैं यही बोलूंगी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्विज दीजिए, क्विज को अच्छे से करना सीखिए, और किरण की जो पब्लिकेशन की जो बुक है किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मैथ्स की, उसको उठाओ, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन करो, और आपको जो है ना क्वेश्चंस करने से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आएंगी, और आपको कैलकुलेशन पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आपका जो अगर लेंदी मैथ्स आ रही हुई तो कैलकुलेशन से आपकी बच जाएगी, अगर आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स आती होंगी तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स को सीखने के लिए। तो एडवांस जो लेवल पे हैं, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि अलग अलग टॉपिक की किरण पब्लिकेशंस की बुक से बहुत सारे प्रैक्टिस करो, और जब वो आपने कर लिए हैं तो क्विज दो, क्विज देने से आपको पता चलेगा, और उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्विज की भी, वो भी अच्छे से आपको आने चाहिए। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि अच्छे से रोज 2 से 3 घंटे मैथ्स को रेगुलर फ्रेश आवर्स दो, कंसिस्टेंटली काम करो, आपको डरना नहीं है, मैथ्स से घबराने की कोई बात नहीं है, जितना करो बहुत अच्छे से करो। अगर आपको कोई अभी भी डाउट रहता है या प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपको हेल्प जरूर करूंगी। तो ये थी मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो, मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग मैथ्स के NIOS की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे NIOS की वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू।